मैं एक बात सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आपने सालों भर बहुत मेहनत करा है, लगातार पढ़ाई करा है, 12 घंटा 13 घंटा सब कुछ करा है, और अगर आप गलती से लास्ट के समय में आके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से आप पढ़ना छोड़ दिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो गया और गलती से अगर आप असफल रह गए, तो भैया ये जो तुमने पूरे साल मेहनत किया था ना, वो पूरा आपका व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमारा इंडियन सोसाइटी ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं। आपका मेहनत भी तभी अप्रिशिएबल होगा जब आप सफल हो जाओगे। अगर आप सफल नहीं हुए तो आपने मेहनत नहीं करा। आपने पूरे साल कितना भी मेहनत कराओ, आपको लास्ट के समय में एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। ये जो एथलीट्स होते हैं ना, जो रनिंग ट्रैक पे दौड़ते हैं, भैया वो उसको भी आपने ऑब्जर्व करा होगा, वो भी लास्ट के समय में आके अपना स्पीड को इंक्रीज कर देते, पूरा जाल लगा देते हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि टाइम टेबल बहुत सारे बच्चे बनाते हैं लेकिन उसको कंसिस्टेंटली कभी फॉलो नहीं कर पाते, और फॉलो करना बहुत जरूरी है। यार आज के इस वीडियो में यही बता रहा कि आखिर मैंने क्या टाइम टेबल फॉलो करा था जिसके वजह से मेरा एज एन एवरेज स्टूडेंट पहली बार में सिलेक्शन हुआ था। पहली बार में मेरा एज एन एवरेज स्टूडेंट, टॉपर नहीं था मैं, बट फिर भी लिया था। तो वो टाइम टेबल मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट आई डोंट नो, आपको फॉलो जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइम टेबल जो होगा ना, ये जो टाइम टेबल चीज़ है, ये आप खुद के बेसिस पर बनाओगे तो वो ज़्यादा सही रहता है। आप एक बार खुद को ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ और उस चीज़ को एक बार फिगर आउट करो कि कब आप सोने जा रहे हो, कब आप खा रहे हो, कब आप ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो, कब आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, वो चीज़ फिगर आउट करो और उसके बाद एक टाइम टेबल बनाओ और उसको लगातार फॉलो करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, इस वीडियो में हम एक मोस्ट यूनिक अप्रोच बताएंगे। पूरे दिन में साइंटिफिक वे में ऐसा कहा जाता है, डीप लर्निंग होता है, डीप लर्निंग जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से कोई चीज़ सीख रहे होते हो, वो हमारा सुबह का 4 AM से लेके 7 AM के बीच में होता है। एक अच्छा बच्चा ये टाइम को जरूर यूज़ करेगा और ये बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का, 4 AM से लेके 7 AM तक। यहाँ पे आपका लर्निंग बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ भी पाओगे और आपका बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग भी होगा। और दूसरा टाइम है सुबह का 10 बजे से लेके 2 बजे का बीच में। ये जो टाइम है, ये टाइम इसमें आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और दूसरा टाइम है 4 PM से 10 PM का, ये 4 PM 10 PM शाम का, रात का। और ये टाइम को, ये जो पूरा टाइम है, इस टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करना, एनालिटिक्स काम आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, सुबह में मेमोराइज करने वाला काम, इसमें ब्रेन यूज होने वाला काम। ठीक है, और 2 PM से 5 PM इसी का पार्ट है जहाँ पे हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करता है, मतलब कोई भी चीज़ आपने पहले से याद करा है उसको प्रेजेंट के टॉपिक के साथ रिलेट करना, ये सारी चीज़ें इस समय में करता है। मॉर्निंग में विजुअल मेमोरी काम करता है और आफ्टरनून में एनालिटिकल स्किल काम करता है। तो ये जो टाइम स्लॉट है, इस स्लॉट में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा मेमोराइज कर सकता है। तो इस ब्रेन के इस पावर को आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं पिछले बहुत दिनों से अपने टेलीग्राम चैनल पे एक टारगेट सीरीज रन कर रहा हूँ 45 डेज का। उसका मेन रीज़न यही है कि मैं आपको लगातार 45 डेज तक कंसिस्टेंट रख पाऊँ। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी अगर तक नहीं जुड़े हो तो ये टेलीग्राम चैनल द अपन बॉय जाके ज्वाइन कर लो, और इस प्रकार से हमारा डेली का टारगेट आता है। टारगेट के साथ हम आपको एक PDF भी देते हैं, जिस PDF में बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिस्प पॉइंट रहता है, जो कि आप मतलब विद इन अ फ्यू मिनट आप पूरा चैप्टर को आप रिकॉल कर सकते हो। और जो बच्चा ये 45 डेज सीरीज को फॉलो नहीं कर पा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद से भी टारगेट सेट कर सकते हो। ये PW का 45 डेज का मोस्ट वांटेड बुक है। इसमें क्या है कि आपको 45 डेज के लिए टारगेट सेट करके दिया गया पहले से। इसमें एक प्रिंसिपल को यूज़ किया गया, पैरेटो प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका 80% क्वेश्चन जो होगा ना, वो 20% सिलेबस से आता है। मतलब अगर आप 20% सिलेबस पे कमांड बना ले, मतलब आप 80% स्कोर कर सकते हो आसानी से। इस बुक में आपको कॉन्साइज में थ्योरी दिया हुआ है, हर थ्योरी के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन दिया है, 1600+ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया, और बहुत सारा आपको MCQ दिया गया। तो ये बुक आपको रैपिड रिवीजन में मदद कर सकता है। इस बुक में आपको सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिया गया और हर क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिलता है, एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। और एट द एंड इस बुक के एंड में 3 मॉक टेस्ट पेपर दिया गया, तो ये 3 मॉक टेस्ट पेपर भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो ये जो बुक है, इसको आप 45 डेज के लिए टारगेट सेट करने के लिए, रैपिड रिवीजन करने के लिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये जो बुक है, ये बुक
बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो आप पीडब्ल्यू के वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो APR150। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते, उसके लिए एक प्रोमोडोरो टेक्निक है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हो। उसमें होता यह है कि आप एक क्लॉक वॉच सेट करते हो जिसमें 25 मिनट आप पहले पढ़ाई करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर अगर तीन बार आपने 25 मिनट पढ़ाई कर लिया उसके बाद आप एक घंटे का ब्रेक ले सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग फेज में कॉन्सिस्टेंट रहने के लिए प्रोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं, मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए। देखो यार, हम जनरली हर रोज 6 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाते थे लाइब्रेरी। 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच गए, 6 से 8 के बीच में मेरा सबसे पहला टारगेट था कि मुझे 2 से 3 चैप्टर बायोलॉजी का रिवीजन करना है। रिवीजन, एक बार रिवीजन रिकॉल, 2 से 3 चैप्टर 6 से 8 के बीच में 2 घंटा में हम ये कर लेते थे। फिर 10 से लेके 12 के बीच में, 10 से लेके 12 के बीच में फिजिक्स का नोट्स रिवीजन करते थे। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ ब्रेक दे दिया, वो ब्रेक आप भी ले सकते हो। 10 से लेके 12 के बीच में फिजिक्स का नोट रिवीजन, मतलब कोई एक आध चैप्टर लिए उसका नोट्स, पूरा क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, क्लास नोट्स में देख रहे हैं कि थ्योरी क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे अप्रोच किया गया सर ने, वो सारी चीज़ें इसके बीच में होता था। 12 से 12:30 के बीच में ये जो ड्यूरेशन था हमारे पास 2 घंटे का, उसमें हम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे। फिजिक्स क्वेश्चन था ना, थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन होता नीट स्टूडेंट के लिए, तो मेरा ये टारगेट था कि जो डिफिकल्ट पोर्शन होगा उसको हम पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए हम सबसे पहले फिजिक्स ही चूज करते थे। और यहाँ पे मतलब 2 घंटा में करीब 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा टारगेट ये था कि हम जो चैप्टर आज पढ़े हैं उसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे सब कुछ याद हो जाता था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो चैप्टर आज हम पढ़े हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं करेंगे, जो चैप्टर कल पढ़े थे उसका क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इससे क्या होता था कि जो हम कल पढ़े थे उसका मैक्सिमम चीज़ आज हम रिकॉल कर रहे थे, और रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में जो चैप्टर आज आप पढ़ते हो उसका आज क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो चैप्टर तुमने आज पढ़ा और आज सब कुछ तुम्हें याद ही है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप वो चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपने पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ रखा था। तो यहाँ पे हम यही करते थे कि पास्ट डे पहले, 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले जो टॉपिक हम पढ़े थे उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्योंकि वहाँ पे हम हर चीज़ को रिकॉल कर पा रहे थे। और 3 से 4:30 के बीच में हम 1 घंटा लेते थे बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और हाफ आवर्स में उस क्वेश्चन का एनालिसिस करना कि आखिर क्या गलत हुआ क्या सही हुआ ये चीज़ करने के लिए। 4:30 से 8 के बीच में बैकलॉग कंप्लीट करना, लेक्चर्स देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, मतलब ये हमारा स्पेशल टाइम होता था जहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग अपने कमियों पे काम करते हैं। अगर कोई चैप्टर छूटा हुआ है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने सुबह में एक भी लेक्चर वगैरह नहीं देखा। उस समय थोड़ा बहुत लेक्चर हुआ करता था, इटूज का, टीचर लोग का, पीडब्ल्यू का थोड़ा बहुत होता था, है ना, अलग सर का पुराना लेक्चर होता था। तो हमारे पास फ़ोन तो नहीं था, दोस्त का फ़ोन था, उसको यूज़ करके हम लाइब्रेरी में लेक्चर वगैरह थोड़ा बहुत देखते थे। लेकिन वो भी हम सुबह में नहीं देखते थे। सुबह में अगर हम फ़ोन पे टाइम बिता दिए तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टाइम सबसे बेस्ट है फ़ोन वगैरह यूज़ करने का, जहाँ पे आप फ़ोन वगैरह लेक्चर वगैरह देख सकते हो, जहाँ पे आप रिवीजन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और 9 से 11 के बीच में हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, NCERT पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये चीज़। तो 9 से 11 के बीच में 2 घंटा होता था जिसमें हम पास्ट ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे, और 11 से 12 के बीच में 1 घंटा में कोई नया चैप्टर को अच्छे तरीके से हम पढ़ लेते थे। अब ये एक टारगेट हो गया जो कि हम हर रोज फॉलो करते थे। और 12:30 के बीच में हम 12 बजे बेड पे एनिया हम चले ही जाते थे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत काम करना, उस समय हम कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, लेकिन मतलब मेरा ऐसा यूजुअल था कि 12 बजे तक बेड पे चले जाना है और आधा घंटा हम बेड पे बिताते थे सोचने में, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। वहाँ पर हम सोचते थे कि आखिर मैंने आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ना, आज मैंने क्या सीखा, क्या सब कुछ वहाँ पे हमारा होता था। सबकॉन्शियस माइंड को एकदम एक्टिव कर देते उस समय, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल हो गया जो कि हर एक बच्चा चाहो तो फॉलो करना, क्योंकि यार अगर आप सोच रहे हो कि भैया अभी भी मौज मस्ती करना है, तो यार सच बता रहा हूँ वो टाइम अब नहीं है, वो टाइम चला गया कि मौज मस्ती करना है, थोड़ा बहुत इधर टाइम बिताना है, थोड़ा बहुत ये करना है, नहीं अब वो टाइम नहीं। तुम्हें सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, ये सीरियस स्टडी करने का टाइम है। और जो बच्चा रात में, और देखो 12 बजे आप सो गए तो 6 बजे आप आसानी से उठ सकते हो, और टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल तुम्हारे पास टाइम नहीं है।
ठीक है। और जो बच्चा नाइट में पढ़ते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा टिप्स दे रहा हूँ, अगर आप नाइट में पढ़ना चाहते हो तो आप तभी पढ़ना जब आप थोड़ा बहुत नाइट में एक्टिव पहले रहे हो, शुरू मत करना ठीक है। ट्राई टू सिट क्रॉस लेग, जब आप नाइट में पढ़ते हो तो ये हमारा लेग को क्रॉस करके जमीन पे सटा के रखना, इससे तुम्हें नींद जल्दी नहीं आएगा। ये नाइट में स्टडी करने वालों का टिप्स है। और हमेशा आप हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो, गर्म पानी पीते रहो, थोड़ा बहुत एनर्जी इससे तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो भैया ये था हमारा एक टाइम टेबल जो कि हर एक बच्चा इस लास्ट के समय में फॉलो कर सकते हैं। और हमारा डेली का टारगेट जो 45 डेज से नीचे चल रहा है टेलीग्राम पे, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर उसको ज्वाइन करो।